Assalamualaikum and welcome back to another vlog. तो आज का दिन मैं शुरू करती हूँ. शुरू क्या, शुरू तो हो चुका है लेकिन मैं अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ. तो नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, आज छुट्टी का दिन था तो अब मैं सोच रही हूँ कि आप अपना कुछ वैनिटी ठीक कर लूँ. वैनिटी में कुछ इतना ख़ास है नहीं क्योंकि हम ज़्यादा मेकअप करते नहीं हैं, तो हमारे पास ना ही इतनी ज़्यादा वैनिटी है. तो जो भी है वो मैं आपको दिखाती हूँ और उसको मैं क्लीन करती हूँ. और आज बहुत सारे काम हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आज सैटरडे है तो मामा का अपॉइंटमेंट है, मामा को हॉस्पिटल लेकर जाना है. उसके अलावा को व्लॉग्स में ना दिखाने का सिर्फ एक वाहिद रीज़न है और वो रीज़न मैं तब बताऊंगी जब मैं बुशरा को लेकर आऊंगी. ठीक है, तो ये देखें क्या यार, एक तो कोई व्लॉग भी नहीं बनाने देता, फिर लोग व्लॉग में आते भी नहीं हैं और व्लॉग बनाने भी नहीं देते हैं. तो ये साफ करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. देखें फिर बाहर कौन आया, कोई आ गया, कौन. अब मैं इसे साफ़ करती हूँ. पूरा वीक हम ऐसे ही चीज़ें उठाकर यूज़ करके ऐसे ही फेंकते जाते हैं, फिर लास्ट डे जो होता है वीकेंड का उसमें ये साफ़ करते हैं. इसके तो नीचे भी हमने पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है. मैं इसे अच्छी तरह क्लीन कर रही हूँ. डर लग रहा है, ये गिर ही ना जाए. आप देख रहे हैं ये टूट गया, इसके ऊपर शीशा लगा हुआ था ये पूरा, और बेसिकली ये इस तरह से था. हम लोगों ने जब ये टूट गया तो इसको इस तरह से कर लिया और अब बैंगल्स टूटेंगी क्योंकि मैंने इसको जगह से हटाया तो वो स्टैंड के गया, मैं इसे ठीक करती. और ये देखें, ये कल जब मैं शॉपिंग पर गई थी तो मैंने ये लिपस्टिक का शेड दिया था पिंक, बहुत अच्छा है. बैंगल स्टैंड मैंने साफ कर लिया था, अब मैं क्लीन करती हूँ इसे. और कल मैंने एक ये भी लिया था, आपको पता है कि इसकी कितनी ज़रूरत होती है लड़कियों को. फेस पाउडर का पफ टूट गया था तो हमने उसकी जगह ये वाला लिया है कॉस्मे का, ये भी बहुत अच्छा होता है. इसके अलावा हमारा ऑयल ख़त्म हो गया था, हम ऑयल भी लेकर आए हैं सईद कनी का. और क्या लाए थे हम, और हम एक टेलकम पाउडर भी लाए थे, वो पता नहीं कहाँ गया है. बुशरा तुम्हें पता है, पता नहीं कहाँ रह गया, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ. ये रहा, नज़र ही नहीं आ रहा. ये टेलकम पाउडर भी लाए थे हम, और ये देखें ये भी लेकर आए हैं कल हम. मेबलिन क्या कॉइन्स कहाँ हैं, इधर अभी दिखाती हूँ. ये भी लेकर आए हैं एक मेबलिन की सुपर स्टे की. और गजन कह रहा है कि मेरे इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं, तो देखते हैं कि कहाँ पे हैं गजन के कॉइन्स. मुझे तो नहीं नज़र आ रहे हैं. हाँ ओ वाकई, ये देखें ख़जाना गजन. और इसके अंदर ये देखें मेरा ब्रेसलेट है, गज़नफर की चेन है जो हमने छुपाई थी मगर फिर भी मिल जाती है. अब वो देख लेगा तो हमसे फिर मांगने लग जाएगा. एयर रिंग्स हैं, पता नहीं क्या क्या है इसमें, मम्मा की रिंग भी है इसमें. चलें अब मैं इसे क्लीन करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे. ये देखें इसे मैंने क्लीन कर लिया है और ये कुछ ज्वेलरी निकली थी इसमें से, तो अभी मैं इसको भी सही जगह पर रखूँगी और फिर रूम जो है वो मैं आके क्लीन करूँगी. हर जगह कपड़े आपको दिख रहे होंगे तो ये सब मैं आके क्लीन करूँगी. अभी मैं रेडी होने लगी हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें हॉस्पिटल जाना है. तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे वापस आकर मिलूँगी. और हुलिया देखे मेरा क्या हो गया, बस ये साफ़ करने के चक्कर में. तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है हॉस्पिटल में, अगर मैं वहाँ पर कुछ क्लिप बना सकी तो वो भी बनाऊँगी. और मिलते हैं बहुत जल्द. तो मैं रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है. मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से, ये देखें आप कितनी धूप है अभी तक. और ये देखें, और वो देखें 12th फ्लोर पे, यहाँ पर मेरी आंटी रहती थी शायदा आंटी, जो अब साहिबाल शिफ्ट हो गई हैं. तो इंशाल्लाह जब वो आएंगी तो मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी हैं. तो अभी कुछ टाइम में आएंगी तो फिर उनसे भी मुलाकात होगी आप लोगों की.
अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, फिर वहाँ जाकर आपसे मिलती हूँ। मम्मा, हमारे घर मेहमान आए थे तो वो भी हमारे साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं। जी, तो अभी हम आए हैं साइमेंटी के घर, और मीन्स आमना बाजी की साइमेंटी के घर। तो मैं भी आई हूँ और ये हादो है। हम हॉस्पिटल से डायरेक्ट साइमेंटी की तरफ आ गए थे क्योंकि साइमेंटी का घर हॉस्पिटल से बहुत नज़दीक है। तो अब हम और यहाँ मुझे पर चेकअप करवाना था, तो मैं भी आमना बाजी के साथ ही आ गई। तो अब हम खाना खाएंगे और खाना खा के फिर अपने घर जाएंगे। तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। यहाँ आंटी मेरा व्लॉग देख रही थी। देखें, हम खाना खाने लगे हैं। आंटी ने टिक्के मंगवाए हैं और साथ में मंगाया है रोल। तो अब हम ये खाते हैं और फिर घर जाते हैं, फिर आपसे घर पे मिलते हैं। तो खाना हमने खा लिया था, अब लाइबा का दिल कर रहा है पेरिसिंग कराने का। तो अब साबिर अंकल उसकी पेरिसिंग करेंगे। दर्द नहीं हुआ? कैसी हो? मैं तो नहीं करवा रही। डर लग रहा है सामने अंकल। कुछ भी नहीं होगा, ऐसे घुमाओगे सर तो नजर आएगा। तो आपने सर तो पकड़ना यार, ऐसे नहीं ठंडे हो गए। चलें करें करें, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ लोगों के कान चीखे ना सुई से। यार आमना मेरे हाथ में आ गया, खराब नहीं करवा लेना। तो मेरा हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो थोड़ा सा देखो ऐसे, जैसे चुटकी बजती ना चुटकी। एक मिनट, मेरी 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 मैं कर नहीं रहा ना, जब करूंगा मैं बताऊंगा। ओके करेगा साबित, अभी ओके नहीं कर रहा। ओके करे नहीं करे, नहीं कर रहा भाई। कैसा फील हो रहा है आपको अमित जी? कैसा फील हुआ? सही हुआ। हाँ, मुझे नहीं पता चल रहा कैसा फील हुआ। ऐसा करके करते नीचे नहीं। एक मिनट, एक मिनट, अल्लाह अकबर, एक मिनट, हिल रहे हो आप? करे ही नहीं करे। हेलो अगेन, हम लोग घर आ गए थे। आकर हम लोगों ने चेंज वगैरह किया, पापा को सब बताया कि हॉस्पिटल में मामा के लिए डॉक्टर ने क्या क्या कहा, सब कुछ बताया। उसके अलावा आज ये मैंने पेरिसिंग भी कराई है, नज़र आ रही होगी आप लोगों को। तो बहुत पेन है, बस पता नहीं, लाइबा को देख के मेरा भी दिल कराया था करवाने का, मैंने भी करवा लिया, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो अब पता नहीं है कब तक ठीक होगा। इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। तब तक आप लोग हमारा साथ दें, व्लॉग्स को इसी तरह देखते रहें, हमारे व्लॉग्स को पसंद करते रहें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, और सब्सक्राइब तो लाजमी करें। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखें सब अपना।